एक्सपेडिशन मोगली शिकारी। इट इज लोकेटेड इन गलगित टाउन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। गिलगित सिटी जो कि 1454 मीटर सतह समंदर से बुलंद है, गिलगित प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है गिलगित बल्तिस्तान का। वी आर टॉकिंग अबाउट गिलगित टाउन। गिलगित टाउन कराक्रम हिंदू कश और हिमालयस का सेंटर है। ये वो टाउन है जहाँ पे ये तीन कराक्रम हिंदू कश एंड हिमालयस की पहाड़ियाँ यहाँ पे एडजेसेंट करती हैं। गिलगित टाउन कदीम जमाने से ट्रेडिंग सेंटर रहा है आसपास के इलाकों का, और इट हैज़ एंशियंट सिविलाइजेशन। गिलगित में बहुत सारे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, हिस्पर ग्लेशियर फॉर एग्जांपल, ब्याफोर ग्लेशियर्स, बहुत बड़े पीक्स हैं, नंगा पर्वत, केटू, रगापोशी, और यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, मोर देन 10 लैंग्वेजेस। शिकारी के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे एंशियन मोमेंटम्स हैं, गरगा बुद्धा है, चलिए मोगली शिकारी की तरफ चलते हैं। वी आर 6 मेंबर्स, मोहसिन, सकलेन, अहमर, सज्जाद एंड फाइनली द ग्रुप लीडर मिस्टर अख्तर हुसैन। We are hitting the track towards Mogli Shikari or Victorian momentum of Taj Mahal. This is Victorian momentum of Taj Mahal. अगर आपको Mogli Shikari या Victorian moment ऑफ ताज महल जाना हो तो आप गिलगित की जनूब साइड पे जो पहाड़ है उसकी तरफ आपको रुक करना होगा। ये गिलगित टाउन से 100 फीट बुलंदी पे है, जस्ट 100 फीट। ऐसे दिल ऐसे चेहरे।
यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू है गिलगित टाउन एंड धनियोर का। हाइकर्स ट्रेकर्स को हम वेलकम करते हैं। दिस इज एन ओल्ड चैनल, इसको भिरनु ठेकेदार ने बनाया था इस चैनल को। ये पुराने जमाने का वाटर चैनल है जो कि पूरी गिलगित को वाटर सप्लाई करता था। इसकी ट्रेकिंग मैक्सिमम 1.5 आवर की ट्रेकिंग है। आपने अपने साथ लेना है जब भी आप ट्रेक करें, मोमेंटम को देखने जाएं, आपको पानी कहीं नहीं मिलने वाला रास्ते में। यहाँ तक पहुँचने का एक और रास्ता भी है जो कि जुटियाल नाला से है। हम आगे बढ़ रहे हैं, पहुंचने वाले हैं फ्री मोमेंटम ऑफ ताज मॉल। अभी हम जिस मोमेंटम को देखने जा रहे हैं ये 700 साल पुराना है। ये एक विक्ट्री मोमेंटम है, ये जीतने की खुशी में बनाया गया था। ऑलमोस्ट ये टावर जहाँ तक हम जा रहे हैं, ये टावर 21 फीट हाइट, इसकी हाइट 21 फीट है। हमारे सारे फ्रेंड्स थक चुके हैं।
ब्रेक लिया, हल्की फुल्की चीज़ें खाई, पानी पिया एंड रिफ्रेश हुए ताकि हम फर्दर ट्रैक कर सकें, हाइक कर सकें। सब बड़े खुश हैं, मुगली शिकारी हम पहुंचने वाले हैं, विक्ट्री मोनोमेंट ऑफ ताज मोगल। ये 700 साल पहले बनाया गया था, 21 फीट हाइट इसकी बुलंदी है और 14 फीट इसकी विड्थ है। हम करीब से देखने जा रहे हैं अभी। इसको लोकल लैंग्वेज में मोगली शिकारी कहते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं, हमारे फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। डैमेडिट एक घंटे बाद पहुंच चुके हैं, एक घंटे के ट्रैक के बाद। ये मोनोमेंट एक विक्ट्री मोनोमेंट है। इस मोनोमेंट को ताजुद्दीन मोगल ने बनवाया था, जो कि एक रूलर था, बनक्शा से आया था। इन्होंने यासीन, चतराल, गिलगित और नगर को फतह किया था और इस तरह के बहुत सारे मोनोमेंट्स बनाए थे। ब्यूटीफुल सेंड्री ऑफ गिलगित सिटी एंड सराउंडिंग्स, ये गिलगित सिटी है, ब्यूटीफुल व्यू। गिलगित सिटी काफ़ी बड़ा शहर है, आपको उस साइड पे दिनियोर, जलालाबाद, बगरोड तक दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ से बहुत प्यारा नज़ारा है। ये आपके सामने यहाँ से राका पोशी भी दिखाई दे रही है, जो कि 12 हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड। विक्ट्री मोनोमेंट पे हम राइड चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको यहाँ से व्यू दिखा सके। ये मोनोमेंट पत्थरों और गीली मिट्टी से बनाया गया था, जो 13वीं सदी हिजरी में इस मोनोमेंट को बनाया गया है। सोल्जर्स, इसको बनाने वाले सोल्जर्स थे, अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए इसको बनाया गया था। शेप राउंड है, इस मोनोमेंट की राउंड शेप है और ये स्लोली स्लोली ये खराब होता जा रहा है। ये मोनोमेंट बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। मौसम की जद में आने की वजह से यह मोनोमेंट टूट फूट का शिकार है। बहुत सारी जगहों से तो इसके पत्थर निकले हुए हैं, कुछ लोगों ने इसको दोबारा से बनाने की कोशिश की है, लेकिन इसको कम तवज्जो दी जाने की वजह से ये काफ़ी ख़राब हो चुका है। इसकी बहुत जल्द रेनोवेशन की ज़रूरत है। ये हिस्टोरिकल मोनोमेंट है, यहाँ से गिलगित का पूरा स्केच दिखाई देता है, बसीन टू बग रोड। इस टावर को लोकली शिकारी कहते हैं शनाई लैंग्वेज में। ये देखो, ये काफी मोनोमेंट काफी खराब हो चुका है। हम सब मिलके सीख कबाब बना रहे हैं, हमें बहुत भूख लगी है। यहाँ पे जब भी आपको विजिट करना हो
तो आप फरवरी टू सितंबर आप विजिट कर सकते हैं। जब भी आप यहाँ पे आए आपको डिफरेंट मौसम का नज़ारा मिलेगा। आपका हाफ दिन लग सकता है गिलगित से यहाँ तक पहुँच के आप कुछ बना के खाएं, सी कबाब या आप एंजॉयमेंट करके आप यहाँ से वापस जा सकते हैं। Pakistan! Zindabad! Nisa, 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 Nisa.